बेटा देखें, ये हम इस वक्त टर्मिनल पे हैं। आपको जब कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वापस जाने के लिए यहीं से बैठना है। और ये जो अभी पॉइंट है, ये जिसमें मैं बैठा हूँ, वाटर पम्प गुलबर्ग होते हुए खिलाफत चौक जाता है, ये है मशहूर ज़माना डिपार्टमेंट ऑफ लाइट केमिस्ट्री। जितने डिपार्टमेंट हैं फिजिकल साइंसेज के, फूड एंड साइंस के बाद सबसे ज़्यादा स्कोप इसी का है और जॉब अच्छी मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें सब्सिडी आप मर्ज़ी की नहीं ले सकते, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ही लेनी पड़ती है। आज इंशाल्लाह ताला लिस्ट लग जाएगी। जी, केमिकल इंजीनियरिंग में नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला लिस्ट लग जाएगी। और अप्लाइड केमिस्ट्री में बता देता हूँ, जो एडमिशन होता है ओपन मेरिट पे होता है, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है आज। इंशाल्लाह इसके पूरे प्रोसीजर की रात में मैं वीडियो डाल दूँगा, उसमें आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूँगा कि एडमिशन कैसे होता है। और जनाब अली, ये देखिए सब ये पॉइंट्स निकल रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से। अप्लाइड केमिस्ट्री के अलावा यहीं जो टर्मिनल पे है, फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसकी स्कोप काफ़ी है। आपको सारी वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो MBBS में होती हैं, सिवाय प्रैक्टिकल के। बाकी थ्योरी सारी की सारी वही पढ़ाई जाती है जो कि MBBS में होती है। अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ, फूड की भी फील्ड है, टेक्सटाइल की फील्ड है, मेटलर्जी की फील्ड है, ये वो सारी फील्ड्स हैं जिनकी जॉब्स आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी। और कंपनी से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज में इनकी जॉब्स हैं, इनका मैं एक अलग से इंशाल्लाह इस पर वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ देखिए, कराची यूनिवर्सिटी में अच्छी आपको मिल जाएगी कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट की अपनी फूड स्टेट शॉप है, जैसे कि मौजूद है। अब जो ये हम जा रहे हैं, सामने भी आएगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और मेरे नज़दीक यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिपार्टमेंट ओवरऑल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही है, जहाँ पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही सबसे ज़्यादा PhDs निकलते हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो केमिस्ट्री से निकलते हैं। केमिस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट साइड पे अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, और अप्लाइड फिज़िक्स में दो टेक्नोलॉजी हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरी टेली कम्युनिकेशन है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब ये देखिए इसका एक नया ब्लॉक भी खुला है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, और सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। अब जनाब यहाँ पर ये बॉटनिकल गार्डन है, और ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम वैसे तो बॉटनी है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में सब इसको भूतनी डिपार्टमेंट कहते हैं। और यहाँ से अगर आपको टीचिंग के लिहाज से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको जो मिल सकता है वो टीचिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब इसके बाद ये सारे का सारा भी बॉटनिकल गार्डन चल रहा है। इसके बाद अभी जो आएगी वो बी फार्मेसी की पुरानी बिल्डिंग आएगी, और बी फार्मेसी याद रखें डिपार्टमेंट नहीं है, फैकल्टी है। इसकी एक नई बिल्डिंग भी बन गई है, जो कि मास कॉम के सामने UBIT से बिल्कुल मुंसलिक है। यहाँ जब सामने हम आते हैं तो यहाँ पॉइंट्स का डिपो चल रहा है, और यहीं से सारे पॉइंट निकलते हैं। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आती है कि जब पॉइंट पे कब्ज़े के लिए हम लोग फौरन के फौरन यहाँ पे ही खड़े हो जाते थे, और अपनी पसंद का फौरन पॉइंट पकड़ लेते थे। अब यहाँ देखें, ये थोड़ा सा ये फार्मेसी की अब ये पूरी फैकल्टी शुरू हो गई है, डी फार्मेसी होता है, और इसके सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं आपको, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तमाम तरह सब्जेक्ट्स इसमें हैं। और डी फार्मेसी का ज़ाहरी सी बात है, देखें जो कल टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट मे भी शायद जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ आ चुका हो। फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो अभी बाद में लगेगी। कराची यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ की फार्मेसी अच्छी है, तो फेडरल यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है, DUHS की बहुत अच्छी है, JSMU की बहुत अच्छी है। और जिस तरह अभी मेडिकल का प्रोसेस रुका हुआ है, कुछ फाइनल ही नहीं किया इस बार डिसीजन, तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि फार्मेसी को मिस मत करें। अगर एडमिशन मिलता है फार्मेसी में तो ज़रूर ले लीजिए, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ये देखें फिर फूड स्टेट शॉप आ गई, जो यहाँ की अच्छी बात है, फूड स्टेट शॉप जल्द आ जाए मिल जाती हैं। कैंटीन्स पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इतनी तादाद में नहीं रही जितनी पहले होती थी, मगर फूड स्टेट शॉप्स हैं जनाब। फार्मेसी के सामने पहले टीचर क्लब होता था, जो कि अब बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन अब पहले जैसा तो नहीं लग रहा ना सुबह, अच्छा हो गया, दोबारा बना दिया, चलें अच्छी बात है। अगर ये बन गया है दोबारा नए सिरे से तो बहुत अच्छी बात है। और टीचर क्लब का खाना पहले भी सबसे अच्छा होता था, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप खर्चा कर लें तो फिर अच्छी बात है।
और यहाँ देखें सामने UBL बैंक है और उसके HBL, इसकी बैक साइड पे बलीगा क्रिकेट ग्राउंड था जिसको अभी असर है ना वर्किंग चल रही है। अब ये देखें यहाँ से सीधा साधा ये फार्मेसी ही है, यहाँ से पॉइंट मुड़ते हैं। अगर आप मस्कन गेट से आते हैं तो जो आप राइट साइड पे मुड़ोगे तो फिर ही आपको फार्मेसी आएगा, और फार्मेसी के बाद अब जनाब अली ये बायोकेमिस्ट्री शुरू हो गया। बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजिकल साइंसेस में अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आपका रिसर्च माइंड है और आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप रिसर्च कर सकते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है। देखिए मसला है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेजॉरिटी के लिए MS, MPhil या PhD करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी लड़कों पे घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, लड़कियों की यूजली शादी कर दी जाती है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे रिसर्च डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी भी और बायोकेमिस्ट्री भी। अभी ये पॉइंट देखिए चलता है तो ये सारे डिपार्टमेंट से होता हुआ जाता है, 1:30 बजे निकलता है टर्मिनल से, और अभी इस वक्त तकरीबन 1:36 हो रहे हैं। यानी समझेंगे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं और आपको पॉइंट पकड़ना है और आप लेट हो गए तो इस टाइम पे आपको मिल भी जाएगा जनाब अली। अच्छा अब ये माइक्रोबायोलॉजी की बैक साइड पे जूलॉजी होगा, वहाँ तक पॉइंट नहीं जाएगा ये। अब ये पॉइंट जा रहा है एडमिन ब्लॉक की साइड पर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ। आर्ट डिपार्टमेंट वाले जितने हैं वो भाई यहाँ पर जमा हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये मस्जिद और वो आगे जो है कराची यूनिवर्सिटी की बेस्ट लाइब्रेरी भी आती है, ठीक है जी। अभी हम जा रहे हैं एडमिन ब्लॉक की तरफ, ये सामने बिल्डिंग है एडमिन ब्लॉक की जहाँ सारा एडमिशन का प्रोसेस होता है। कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार कंट्रोलर सब यहीं पे बैठते हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एनरोलमेंट सेक्शन सब उसकी वेबसाइट पर है। ये अपोजिट जो दूर से दिख रही है महमूद हुसैन लाइब्रेरी, पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है। और देखें ये पॉइंट की एक अच्छी फैसिलिटी होती है यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, बस इसमें आपको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ से एडमिन ब्लॉक आपको मिल जाएगा। ये रिक्शे भी चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जी। हाँ बिल्कुल, एयर लिफ्ट भी है जिसको आपको आधे घंटे पहले बुक कराना पड़ता है, और उसको मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि टर्मिनल के सामने वो खड़ी होती हैं एयर लिफ्ट। मैंने अभी लगा दिया ऑडिटोरियम में। ये इस वक्त हमारा जनाब अली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एडमिन ब्लॉक, पॉइंट गेट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ज़ाहिर है जगह जगह रुक रहा है। जिस पॉइंट में मैं बैठा हूँ ये बच्चों बैक साइड के गेट से निकलेगा और फिर वाटर पम्प गुलबर्ग होता हुआ पीपल्स चुरंगी दैन DC ऑफिस दैन सखी हसन वहाँ से लेके खिलाफत शॉप तक जाता है। आगे जो है जी डीन ऑफ आर्ट्स का ऑफिस है, और जितने आर्ट्स के डिपार्टमेंट हैं पहले ब्लॉक के जनरल हिस्ट्री IR सिंधी ये तीनों के तीनों यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। जनरल हिस्ट्री के बिल्कुल ऊपर इंग्लिश है, उसके बिल्कुल ऊपर उर्दू डिपार्टमेंट है। इस्लामिक स्टडी भी जनाब यहीं पर ही है, और पॉलिटिकल साइंस सेकंड ब्लॉक में मिलेगा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। यहाँ सारे एडमिन के ब्लॉक वाले पार्किंग करते हैं इस एरिया में, एडमिन ब्लॉक का हो चाहे आप आर्ट्स लॉबी के हो पार्किंग के लिए जगह है।
जब आप यहाँ से अगर एंट्री कर लेंगे पास आउट दर्श में छोड़ देंगे मतलब चेयरमैन है आसिफ साहब देखा इवेंट में था तू आज आसिफ साहब ये जनाब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ये जनाब सारी आर्ट्स की फैकल्टी है और ये बेंचेस हैं बड़ी अच्छी बैठने के लिए और अभी तक देखें कि ये अंदर ही अंदर चल रहा है पॉइंट बाहर जाने का काम तो बहुत लेट शुरू होगा ये आर्ट्स का पहला ब्लॉक है जहाँ मैंने बताया आपको कि जनरल हिस्ट्री आईआर और सिंधी डिपार्टमेंट की क्लासें होती हैं नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हैं फिर भी देखें लोगों ने पार्किंग की दी है पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे फिर पॉइंट देखें जाम हुआ हुआ है अरे यार पाँव में फ्रैक्चर हुआ हुआ था मैंने कहा आए तो आज वीडियो बनाने ओके जी देखें पॉइंट कितना जाम रहा है यहाँ और अब जाके ज़रा हवा चलनी शुरू हुई पॉइंट में बस एक डिसएडवांटेज होगा इस साइड में जब ये जाम बड़ा लंबा होता है और जब यहाँ से ये मोड़ा इधर ये सिल्वर जुबली गेट आता है अगर आप चलते रहे और ये बड़ा अच्छा आपको किया हुआ है हवा में धूप से बचाने के लिए यहाँ पे हॉकी ग्राउंड है यहाँ पे देखिए स्क्वैश कोर्ट है ये आ गया UBL
ना वहाँ से ले करके ये है पोस्ट बॉक्स पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और इसके पीछे वर्चुअल स्टडीज़ भी है और वहीं पर जनाब अली आपको सेमेस्टर सेल भी मिल जाएगा। ये कराची यूनिवर्सिटी का मशहूर ऑडिटोरियम है। अभी बैंक लिमिटेड देखें अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जिसमें एमफिल और पीएचडी में रिसर्च होती है और चंद अच्छे रिसर्च सेंटर में से कराची यूनिवर्सिटी है। अब ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आने वाला है और स्कोप वाइज बेहतरीन डिपार्टमेंट है। ये लो ये देखिए बेहतरीन बिल्डिंग भी बनी हुई है और पढ़ाई भी अच्छी है यहाँ की। इसके अपोजिट साइड पे UBIT है और ये इसी की कैंटीन आ गई। और अब हम जिस गेट से बाहर जा रहे हैं वो स्कीम 33 में होते हैं लेकिन सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और ये बड़ा अच्छा वीरान सा जंगल जनाब की अब हम आ गए हैं गेट पे। यानी कभी आपको आना हो मास्कॉम या UBIT तो अलग गेट बेहतरीन गेट।